दोस्तों ये है 2022 वेरिएंट बजाज प्लैटिना 110 ES का डिस्क वेरिएंट, जिसे आप प्लैटिना एच गियर भी कह सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2022 वेरिएंट प्लैटिना एच गियर में आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर के भी। दोस्तों वीडियो पसंद आए, मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है बजाज प्लैटिना 110 ES का डिस्क वेरिएंट, जिसे आप प्लैटिना एच गियर भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलर वेरिएंट की। तो इसमें आपको टोटल तीन कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला कलर वेरिएंट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है वेल्कोनिक मैट रेड। इसके अलावा इसमें आपको चारकोल ब्लैक और सैटिन बीच ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। टोटल तीन कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो जो बाकी के कलर वेरिएंट है, बहुत ही जल्द उसका भी रिव्यू आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इसके प्राइस की। तो गौर से सुनिएगा, ये आप सभी का पहला सवाल होता है। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, पहला डिस्क और दूसरा ड्रम। तो ये इसका डिस्क वेरिएंट है। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 68,320 रुपीज, 68,320 रुपए एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी इलाहाबाद प्रयागराज की, ठीक है। जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 82,000 to 84,000 रुपीज, 82,000 से 84,000 रुपए के बीच में इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी इलाहाबाद प्रयागराज की, ठीक है। ये तो थी प्राइस की बात। चलिए अब हम बात करते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रंट से शुरू करते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे सबसे पहले आप इसका सस्पेंशन देख लीजिए। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 135 mm का ट्रेवल देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन के साइड में आपको साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, नाइट के टाइम ये हेल्पफुल होते हैं। और ये है इसका ब्रेक, जो कि आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। गौर कीजिएगा, ये इसका डिस्क वेरिएंट है, तो इसलिए इसमें आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। अगर आप इसका ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। CBS ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको 80x100 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। तो नो डाउट सस्पेंशन क्वालिटी और ब्रेकिंग क्वालिटी आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलती है। आगे बढ़ते हैं हेडलैम्प पे। तो हेडलैम्प के साइड में आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, काफी खूबसूरत लगते हैं। और ये है इसका इंडिकेटर, जो कि आपको रेगुलर डिजाइन का बल्ब वाला इंडिकेटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। मेन हेडलैम्प की बात करें तो हेडलैम्प के ऊपर आपको LED DR लाइट देखने को मिल जाता है, काफी खूबसूरत लगता है। और इसके मेन हेडलैम्प की बात करें तो इसमें आपको 35x35 वाट का HS1 का हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है। तो LED जैसी सुविधा अभी भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब ही देखने को मिलता है। तो विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है, ठीक है। स्विचिंग क्वालिटी पे आते हैं तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच के साथ साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच लेफ्ट हैंडल बार पे देखने को मिल जाता है। स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर है। जो इसके मिरर है वो आपको रेगुलर और सिंपल डिजाइन में देखने को मिलेंगे। राइट हैंडल बार पे आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ एक एडिशनल स्विच देखने को मिलती है, जिससे कि आप अपने LED DRL लाइट को ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो स्विचिंग क्वालिटी आपको काफी बेहतर मिल जाती है। और ये है इसका मेन मीटर कंसोल, जिसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। टैकोमीटर आपको एनालॉग देखने को मिलता है। एक छोटा सा डिजिटल सेटअप राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आप डिजिटल कंसोल पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो ये काफी सही चीज है कि आपको 110 cc की बाइक में भी गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। बैटरी का कनेक्शन इसमें नहीं है, नहीं तो हम आपको इसको ऑन करके दिखाते। साइड में आपको यहाँ पे एक बटन प्रोवाइड कर दी गई है, जिससे कि आप अपने ट्रिप मीटर को सेट कर पाएंगे। तो मीटर कंसोल आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके फ्यूल टैंक पे। तो जो इसकी टैंक की कैपेसिटी है वो आपको 11 लीटर यानी 11 लीटर की देखने को मिलेगी। और टैंक के ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टैंक पैड भी देखने को मिल जाता है। और टैंक के दोनों ही साइड आपको प्लैटिना की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि आपको 3D एम्बल में देखने को मिलेगी। और इसके जो ग्राफिक्स हैं, जो स्टिकर्स हैं, वो आपको फ्रंट से लेकर रियर तक देखने को मिल जाते हैं। तो इसके जो स्टिकर्स हैं वो आपको काफी सिंपलिस्टिक देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर। गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप जो कॉर्बेटर जैसी संरचना देख पा रहे होंगे, ये कॉर्बेटर नहीं है, इस चीज का गौर कर लीजिएगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है, जिसका वर्क FI के जैसा ही है। तो आपका फ्यूल इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग इंजन में सप्लाई होगा, तो फ्यूल इफिशियंसी आपकी पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इसका माइलेज भी काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। और माइलेज की बात हो ही रही तो मैं आपको इसका माइलेज बता दूं, तो इस चीज का गौर कर लीजिएगा कि ये बजाज कंपनी की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक में से एक है। इसका जो माइलेज है वो आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो इस बाइक
से अगर आप एक अच्छी राइड करते हैं तो आपको 80 टू 85 तक का माइलेज आसानी से देखने को मिल जाएगा। कंपनी इसके माइलेज को 96 तक का माइलेज क्लेम करती है, बट अगर आप अच्छी राइड करते हैं तो आपको गिरी हालत में 80 टू 85 तक का माइलेज आसानी से देखने को मिलेगा। तो माइलेज के मामले में ये बाइक काफी ज्यादा सही है, इसका माइलेज आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 115.45 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड DTSI BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलती है वो आपको 8.48 पीएस की मिलेगी 7000 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो आपको 9.81 न्यूटन मीटर का मिलेगा 5000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क भी आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर देखने को मिल जाते हैं, तो 5वें गियर पे आपको हाईवे राइडिंग करने में भी काफी ज्यादा स्मूथनेस महसूस होगी। और जो इसका टॉप स्पीड है, जो कि कंपनी द्वारा टेस्टेड किया गया है, इसका टॉप स्पीड आप 90 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकते हैं, बट जो हमारे इंडियन धुरंधर है वो इसे 100 तक तो आसानी से लेके चले जाएंगे। तो टॉप स्पीड आप 100 तक का इसमें गेन कर पाएंगे। सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो सिटिंग कंफर्ट भी आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। काफी बड़ी सीट की साइज देखने को मिलती है और इसका जो कंफर्ट है वो आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो सिटिंग कंफर्ट को लेके प्लेटिना के किसी भी मॉडल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे इसके एक ब्लैक कलर का आपको ग्रैब रील देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एक स्ट्रांग पकड़ भी प्रोवाइड करता है। और सीट काउल पे आपको एच गियर 110 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। स्टिकरिंग में ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो आपको साइड गार्ड मिलता है वो आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, तो आपको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो इसका फुटरेस्ट है वो आपको एक यूनिक शेप में देखने को मिलेगा, तो इससे आपको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। रियर सेक्शन में रियर टेल लैंप की बात करें तो रियर में आपको बल्ब वाला टेल लैंप देखने को मिलता है। रेगुलर डिजाइन में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। रियर का जो इंडिकेटर है वो भी आपको रेगुलर डिजाइन का बल्ब वाला इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। दूसरे साइड भी आपको एच गियर 110 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है सीट काउल पे, जो कि आपको स्टिकरिंग में देखने को मिलेगी, तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। वहीं रियर सेक्शन का जो सस्पेंशन है वो आपको SOS विथ नाइट्रोक्स कनिस्टर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 110mm का व्हील स्ट्रोक देखने को मिल जाता है। तो सस्पेंशन क्वालिटी नो डाउट काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। वहीं रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। जो रियर का टायर है वो भी आपको 80x100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, और जो अलॉय व्हील है वो आपको स्प्लिट अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, तो ये इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। एग्जॉस्ट पे आपको स्टेनलेस स्टील का मफलर कवर देखने को मिल जाता है, तो ये आपके जूते को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, तो ये काफी सही चीज है। इसमें आपको किक भी देखने को मिल जाता है, तो इनकेस अगर आपकी बैटरी कभी डाउन हो जाती है तो आप किक से भी इस बाइक को स्टार्ट करके ऑपरेट कर पाएंगे। तो लगभग ये सारी चीजें हो गई। बात कर लेते हैं थोड़े से इसके डायमेंशन की। तो इसकी जो लंबाई हो आपको 2006mm, चौड़ाई 741mm, हाइट 1100mm, व्हील बेस 1255mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 200mm का देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा है इंडियन रोड के हिसाब से। सीट हाइट 807mm, टर्निंग रेडियस आपको 1930mm का देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा सही है, तो आपको टर्निंग करते टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो इसका कर्व वेट है वो आपको 120kg का देखने को मिलेगा, तो 122kg की ये पूरी बाइक आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी इस बाइक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक में मिल जाएगी, वहां पे आप हमें फॉलो करके मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।